बात इधर कुछ और है, बात इधर कुछ और है सर, मेरी बात सुनो। भाई मुनव्वर फारूकी है जिसने सीता माँ के बारे में गलत बोला, राम के बारे में गलत बोला, और तो और उसी से जाके एल्विश गले मिलता है, तो ये कहा कि हिंदुत्ववादी। अरे जा यार, अपने आप को कट्टर हिंदू बोलता है वो, अपने आप को कट्टर हिंदू बोलता है वो। अब निकल निकल, ये है एल्विश के चमचे, ये है एल्विश यादव के चमचे, वो कट्टर इसके चेले तो भाग गए। हाँ मेरी बात सुनो, वैसे वो लड़ाई कर रहे हैं, कोई वो कोई फायदा नहीं। आप वैसे वो शांत रहो, जो हो गया वो हो गया, भगवान सब देखता है, ठीक है? ठीक है, सब देखता है। बाकी हम भी वो हिंदू हैं, मगर मैं सारी बिरादरी को मानता हूँ, ठीक है? ओके, कमेंट बॉक्स में जाके देख लीजिए क्या क्या बोल रहे हैं उसके बारे में लोग। अगर अगर मैं अभी गलत, मैंने खुद कमेंट बॉक्स में गाली बकी है, मेरी आईडी आ रही होगी अनुज चौधरी के नाम से, और जो होता है वो कर ले, जो होता है वो कर ले। सागर के साथ हुआ भाई, हो जाएगा तुम्हारा। अरे ये करने से पहले 10 बार सोचेगा वो। अच्छा। सागर तो कुछ नहीं था जो हमें, ठीक है, कहीं का नेता हो, कहीं का विधायक हो, कुछ भी हो। मैंने तो ब्लॉक मार के रिपोर्ट भी डाल दिया एल्विस यादव की। अच्छा। जब वो बिग बॉस में आया था ना, क्या होता है ना, किसी को अगर इलेक्शन में खड़ा करते हैं, नया नया चेहरा होता है तो उसकी काफी पब्लिसिटी होती है, लेकिन जब बंदों को उसका असली मतलब झूठ पता चल जाता है ना, तो गलेबान पकड़ के खींचना जानती है पब्लिक। अच्छा। और ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए जी, पब्लिक ने इस बार गलेबान खींच के एल्विस यादव को पूरा नीचे गिरा के मारेगी इस बार इलेक्शन के बाद। अच्छा। नीचे गिरा के मारेगी। मनोहर लाल खट्टर ने बिग बॉस जीतने के बाद एक प्रोग्राम करवाया, ठीक है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर भी थे। हाँ, तो एक बात बताइए आप, पर्सनल लाइफ जब तक एक मिनट, जब तक लोगों के देखो सामने चीजें आती है ना, तो लोगों को पता लगता है ये आदमी किस 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 कैटेगरी का है। जब ये चीजें आई हैं खुल के, पॉइजन वाला मामला आया तब भी लोगों ने थोड़ा सा इग्नोर किया, अरे यार हो सकता है कि मौज मस्ती युवा है कर रहा होगा, कोई बात नहीं, पॉइजन वाला ये तो बड़ी पार्टियों में होता ही है, जो बड़ी बड़ी रेप पार्टियां होती हैं उनमें ये सब चलता ही है, डक्स हो गया, ये हो गया, ये बड़ी चीजों का चलो ठीक है वो इग्नोर मार दिया, बट ये जो मामला आया है अब ये लोगों को पचेगा नहीं, और जितने फॉलोवर हैं उसमें से आधे तो ऐसे ही ब्लॉक मारते चले जाएंगे। और ये जो किया है ना इसने, पहले तो ये चीज़ मेरे को आज तक नहीं समझ आई, बेशक सबको आ रही हो, मेरे को ये नहीं पता कि वो जेंडर क्या है। अच्छा। उसका जेंडर अगर आप फॉलोवर हो तो आप क्लियर करो क्या जेंडर है। एल्विस यादव हैं, यादव से जेंडर क्लियर हो गया, मेरे को नहीं लगता झोल है भाई साहब, जेंडर क्लियर नहीं है, आप बेशक फॉलोवर हो मानते हो, अभी आपका भी अब मैंने फॉलोवर नहीं हूं, अब फॉलोवर मैं भी करता था तब तक, मैं एल्विस यादव को जब फॉलो करता था, जब कभी एल्विस यादव के 1000 सब्सक्राइबर हुआ करते थे, ठीक है, आज कितने हैं? आज तो मिलियन में है, मिलियन में है। आज कहां से अर्श से फर्श पे फिर आएगा, ये जहां से उठ के गया था स्कूल समय में हुआ करता था, तब स्कूल टाइम की वीडियो देखता था, जब कभी सर पकड़ के वीडियो बनाते थे वो वीडियो देखी है, वही चीज है ना। आज देखो यही जनता, यही पब्लिक, यही फॉलोवर लेके उतना ऊपर गए, आपको इतना पैसा दी, शोहरत दिया, नाम दी, इज्जत दिया, ठीक है, बिग बॉस में आप गए, वहां पे हाईलाइट हुए, ठीक है, उसके बाद आज आप देखो जो कुकर्म कर रहे हो वो पब्लिक, प्राइवेट लाइफ का पब्लिक के सामने आई ना, पता लगा ना किस कटघरी का, किस कैलिवर का बंदा है, आज ये पता लगा लोगों को, फॉलोअरों को धक्का लग रहा है ना एल्विस यादव का, इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा। अच्छा। और तगड़ा भुगतेंगे, और एहसास करें जैसे सर पकड़ के रो के स्टार्टिंग में वीडियो बना रहा था ना, और फिर सर पकड़ के रोएगा तब भी पब्लिक माने ना माने जो कुकर्म कर रहा है वो। जैसे इलेक्शनों में नेता लोग आते हैं ना, घरों पे हाथ पैर जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, माई बापू करते हैं, उसी तरह कुछ दिनों बाद एल्विस यादव भी आने वाला है। एल्विस यादव आने वाला 100% एल्विस यादव को जानते नहीं आएगा एल्विस, तो पहली बात बोलते रहेंगे एल्विस यादव नहीं आएगा, उसकी अपना अपना सिस्टम है भाई उसका। अच्छा। उसका सिस्टम ये कोई भी हैंग नहीं कर सकता। अच्छा। बस कमेंट में बोल सकते हैं या पीछे बोल सकते हैं, तो सामने आएगा नहीं आएगा, मुंह पे भाई तुम्हारा आएगा ही नहीं, तुम्हें यार यहाँ से यहाँ पे आना पड़ेगा। भाई बोलिए जरा एक बार बोल के दिखे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अच्छा, एल्विस भाई कुछ नहीं रहे अब, एल्विस भाई धूल में मिल चुके हैं, जो होता था मैं भी फॉलो करता था, परसों ही ब्लॉक मार रहा है क्योंकि ऐसे, सुनो एक सेकंड सुनो भाई, मैं तो सबसे कहना चाहता हूँ वो जो यादव की लास्ट वीडियो कौन सी आई थी बताइए। मैं फॉलो भी नहीं करता भाई उसे, मैं बस हकीकत बोल रहा हूँ। हाँ। मैं बता देता हूँ, एक 3 पार्ट बनाए हैं एक लड़की को लेके, नहीं मैंने तो वो देखी है जो अभी उनने मार्टिन को मारा है,
हाँ जो ट्विटर पे उसे गालिया वालिया पकड़ा था उसने, फिर उसे जो मारा मैंने तो वही पोस्ट देखी उसके। अच्छा सिस्टम हैंग हो गया, लगाई थी गुलामी ना हो तेरे यार। मैं नरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, मैं नरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, नरेंद्र सिंह वो मोदी बैठा हुआ है। मोदी पे बात नहीं, मोदी की बात नहीं, मोदी की बात नहीं हो रही यार, मोदी की बात ही नहीं हो रही है। अभी की राष्ट्रीय का हूँ मैं, अभी राहुल गांधी की बात हो रही ना मोदी की, अभी नरेंद्र मोदी की बात नहीं हो रही, पॉलिटिक्स की नहीं हो रही, अभी सामान्य आदमियों की बात चल रही। अच्छा तो फॉलो करते थे लेकिन अब अनफॉलो भी कर दिया, क्योंकि ऐसे काम करेंगे। सुनो अभी जो भाई राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी भाई, क्यों राहुल गांधी, राहुल एलबीएस यादव के बारे में बात हो रही, जानते हो एलबीएस यादव को? एलबीएस यादव कांग्रेस भाई पॉलिटिक्स पे बात ही नहीं कर रहा। एलबीएस भाई के लिए एक थोड़ा सा आगे, ये देश का युवा मेरे साथ है। अभी तुम कुछ कह रहे थे एलबीएस भाई के आगे, कुछ ऐसा कुछ कह रहे थे, टक्कर के बात कर रहे हो ना, फिर भी कांग्रेस भाई नहीं बोल रही। वो बोलिए बोलिए भाई, क्या बोलूं भाई मैं, अभी जो आप कुछ कह रहे थे एलबीएस भाई के आगे कुछ ऐसा, भाई मैं उसका डायलॉग जो चल रहा था वो रिपीट कर रहा था, इससे कह रहा था भाई से कि बोल के दिखाओ एलबीएस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। डायलॉग डायलॉग ही रह जाएगा, ठीक है, वो कुछ नहीं हो सकता है, मट्टी में मिल जाएगा वो डायलॉग भी कुछ दिनों बाद। एक बार इलेक्शन तो होने दो, उसके बाद एलबीएस यादव भी नीचे आएगा। एलबीएस इलेक्शन में नहीं हो रहा, लेकिन इलेक्शन के बाद ना एलबीएस को नीचे गिराएगी पब्लिक, अभी कुछ नहीं कर सकती, ऊपर है ही नहीं वो, अब भी नीचे गिरा पड़ा, लेकिन और ज्यादा आ जाएगा। अगर देश का एक युवा हमारे साथ ये भी है, एलबीएस के बारे में कुछ बोलना चाहता है भाई, तो बहुत अरे एलबीएस कौन सा नेता हो रहा है यार, मैं तो रैंडम सेना के साथ धर्म से ऊपर कुछ नहीं है, रैंडम सेना चल बन के। अभी तुमने देखा नहीं ट्वीट चल रहा है, आई सपोर्ट रैंडम सेना, 3.5 लाख से ऊपर ट्वीट रीट्वीट पहुंच गए, रैंडम सेना को जान, मैं रैंडम सेना का दूध, धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। अब ग्राफ गिनना चालू हो गया है एलबीएस भाई का, क्योंकि जो भाई भाई थे अब वो भाई अब नहीं रहे वो। अच्छा, एलबीएस यादव ना श्री राम के ऊपर कमेंट कर रहा है, सीधा 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 श्री राम पे कमेंट कर रहा है, इसीलिए जो राम पे कमेंट करेगा आप तो जानते हो क्या हो सकता है उसके साथ में, उसमें मैं हूँ वहाँ पर, छोड़ना किसी को नहीं है, जो श्री राम पे कमेंट करेगा घर में निकाल के मारा जाए। राम राम का नाम लेके यहाँ तक आए हैं क्या, कहेंगे पीछे हट जाइए, अरे भाई तुम बोल, थोड़ा पीछे क्या बदतमीजी है, बोल क्या बदतमीजी है बाबा, गलत बात है भाई, मैं तुम्हारे लिए मेरे पॉलिटिक्स में बात ही नहीं कर रहा मैं, बात करो उससे, बात करो, एलविस कर रहा था ये, बात कर लो, बात कर रहे हो, एक सेकंड कर लो, कर लो, बोल क्या क्या कह रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम, खुश हो गए जाओ बोलो। और अभी देखा कुछ ज्यादा मैटर भी ना, उसका एक तो अक्षय कुमार का फोटो लीक कर दिया और उसका एड्रेस लीक कर दिया, ये क्या मतलब होता है, फोटो लीक कर दिया एड्रेस लीक कर दिया, और उसको मारने की धमकी भी दी गई है, एक नहीं तीन कई बार उसको मारने की धमकी दी गई है अक्षय कुमार को। एलविस यादव को यहाँ सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं, ये एलविस को ना जानू मैं, एलविस को ना जानू मैं, एलविस भाई, एलविस भाई को जानते हैं, अरे आइए ना, अरे आइए ना भाई, मैं ना क्या बोलेंगे एलविस भाई के लिए, अब बिल्कुल भाई लोग के साथ हूँ मैं, जो भाई जो बोल रहे हैं मैं उनके साथ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई जो बोल रहे हैं ठीक है, रैंडम सेना के साथ है, हम नहीं जानते एलविस को कौन है, एलविस भाई के आगे कोई बोल, वो चूहा बिल में घुस गया वो, अब तो एलविस गया, खत्म खत्म तुम्हारी, क्या कहेंगे आप एलविस भाई, एलविस भाई, एलविस भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या, एलविस भाई सिस्टम बाहर देखो सिस्टम, बाकी जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री श्याम।